भगवा कलर हमारा तो है नहीं, भगवा कलर सबका है। अब 2014 से अगर जब फिल्में बनेंगी तो ऐसा तो है नहीं कि भाजपा वालों से पूछ पूछ के कलर पहना जाएगा। पहले मनोज तिवारी का मुंह तोड़ दें, उसके बाद में रवि किशन का मुंह तोड़ें, उसके बाद में निरहुआ का मुंह तोड़ें, उसके बाद में रवीना टंडन का मुंह तोड़ें, कंगना का मुंह तोड़ें, फिर आके दीपिका पादुकोण का मुंह तोड़ें। नाम सुने साध्वी प्रज्ञा जी का नाम सुने हम तो, कंगना का भी नाम सुने हैं, जिसे भगवा पे पैर रखने के बाद पद्म भूषण मिला था, उसी कंगना की बात कर रहे हो ना? बताओ कपड़ा है, ये कपड़ा है, मैं प्रधानमंत्री जी से पूछ के पहनूंगा, प्रधानमंत्री जी से पूछ के पहनूंगा, ऐसा दिन आ गया है। संविधान नाम की कोई चीज है या वो भी मर गई? छमक छमक और लहंगा उठाए दो रिमोट से, वो क्या है? उस पर कहे नहीं बात करते हो आप लोग भैया। मनोज तिवारी ने जो फिल्में बनाई भगवा पहन के, उस पर आपने बात नहीं की। अक्षय कुमार ने बनाई, उस पर बात नहीं करी। रवि किशन निरहुआ ने बनाई, जो इनके वर्तमान सांसद है, उन पर बात नहीं करते। इनको भगवा से दिक्कत नहीं है, सिर्फ खान गैंग से दिक्कत है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाजपा वालों से पूछ पूछ के कलर पहना जाएगा। अगर भगवा सिर्फ हमारा होता, हिंदुओं का होता, तो ये मुसलमानों को प्रकाश न देता। भगवा और हरा सिर्फ हमारा होता तो मुसलमानों को हवा न देता, प्रकृति उनको। अगर भगवा सिर्फ हमारा होता, हिंदुओं का होता, तो ये मुसलमानों को प्रकाश न देता। भगवा और हरा सिर्फ हमारा होता तो मुसलमानों को हवा न देता, प्रकृति उनको हरे भरे न रखता। कलर से कोई मायने नहीं रखता, इनकी सिर्फ राजनीति चिटकाने को है। भगवा की जो गाथा सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इनके जो सांसद हैं मनोज तिवारी जी, इनके भी एक फोटो हम दिखा दें, भगवा का बहुत सम्मान कर रहे हैं। रवीना टंडन और अक्षय कुमार भगवा का सम्मान कर रहे हैं, रवि किशन सम्मान करते हैं, वो सम्मान है। और अगर दीपिका पादुकोण ने पहन लिया तो इन्हें बुरा लग रहा है, दारू पी के नाचे लगे, छमक छमक और लहंगा उठाए दो रिमोट से, वो क्या है? उस पर कहे नहीं बात करते हो आप लोग भैया। मनोज तिवारी ने जो फिल्में बनाई भगवा पहन के, उस पर आपने बात नहीं की। अक्षय कुमार ने बनाई, उस पर बात नहीं करी। रवि किशन निरहुआ ने बनाई, जो इनके वर्तमान सांसद है, उन पर बात नहीं करते। इनको भगवा से दिक्कत नहीं है, सिर्फ खान गैंग से दिक्कत है। सवाल यही है ना कि और भी लोग तो इस कलर को लेकर के यूज में लेते हैं और गाना बनाते हैं, तो उस पर क्यों नहीं, इस पर क्यों हो रहा? तो वही तो बता रहा हूँ भैया, इनको सिर्फ खान गैंग से दिक्कत है, कलर से कोई दिक्कत नहीं है। और वो फिल्म देखना, यही लोग जो आज कह रहे हैं ना कि नहीं चलेगी नहीं चलेगी, सबसे ज्यादा सुपरहिट करवाने का काम यही लोग करेंगे। और ये फिल्म बहुत सुपरहिट, जितने भी हिट होते सबसे ऊपर ही जाएगी फिल्म, देखना, क्योंकि लोग देखने जाएंगे। ये पहले भगवान की शरण में ही गया है, शाहरुख खान माता जी की शरण में गया है। और मानस भी कहता है, गए शरण प्रभु राखी है तो अपराध विसार। इसने तो कोई अपराध ही नहीं करा है। भगवा किसने पहना है, भगवा किसने पहना है भैया? जैसे हर पीला चीज सोना नहीं होता है, जैसे हर पीला चीज सोना नहीं होता है, वैसे हर ऑरेंज कलर भगवा नहीं होता है भैया। फिल्मों में उसे दर्शाया जा रहा है, बता रहे हो कि भगवा हाथ हो जा रही है, हाथ हो जा रही है। अच्छा, समाज में क्या जाए? पत्रकार महोदय, आप बता दो कौन सा कलर पूजनीय नहीं है, आप बताओ। ऐसा कोई कलर है जो पूजनीय न हो, बताओ आप। है आपके नजर में कोई ऐसा कलर जो पूजनीय नहीं है? सारा कलर तो पूजनीय है। ये सिर्फ राजनीति चटका रहे हैं। इस पे भैया देखो, सेंसर बोर्ड पास करने का काम करेगा या हम करेंगे, बताओ? सेंसर बोर्ड को तकलीफ नहीं है। रवीना जो उन्होंने पहना है, दीपिका पादुकोण, उनके घर वालों को तकलीफ नहीं है, उनके पति को तकलीफ नहीं है, और हिंदू भाइयों बहनों को तकलीफ नहीं है। सिर्फ चार लोग इनके घर कह रहे फूंक देंगे, इन्हें सिर्फ दिक्कत है खान गैंग से, भगवा से कोई तकलीफ नहीं है। इससे पहले भी भगवा पे फिल्म बनती थी। लेकिन कुछ लोग ये कहना है कि जब इस फिल्म के अंदर में जो ये दृश्य दिखाया गया है, उस दृश्य को लगता है कि लोगों को तकलीफ है, तो उसको हटा दीजिए ना, क्या दिक्कत? तो अश्लील फिल्में जो बनती हैं उस पर कहे नहीं आप सवाल उठाते हो। ढोंढी देवर चाट था जो भोजपुरी इंडस्ट्री में बनता है, उस पर कहे नहीं सवाल उठाते हो। रिमोट से लहंगा उठा दो, ये कर दो, वो कर दो, उस पर क्यों नहीं सवाल उठा देते हो? दोनों इंडिकेटर, ये भी तो एक भावनाओं को आहत करने वाला काम है। महिलाओं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं का अपमान तो इनके जितने सांसद हैं वही सबसे ज्यादा करते हैं, उस पे भी तो होना चाहिए। मनोज तिवारी का जिक्र कर देते हैं बार बार, तो हम पहले का सीन था वो निकल गया। अच्छा, 2014 के बाद जो बनेगा सिर्फ